हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पलाग अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है हिल स्टेशन बिरथी फॉल से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत भी मेरी हो रही है अर्ली मॉर्निंग से, और अर्ली मॉर्निंग में आज ही मैं भैया खेतों पे आ गया हूँ। तो गांव की दिनचर्या तो आप लोग जानते ही हो, काम काज, काम धाम, सब चीज़ होता है। तो सुबह सुबह आए हम खेतों पे हल जोतने के लिए। तो अभी मुझे हल जोतने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो पिताजी थोड़ा सा इच्छाओं को नौ निकाल दे रहे, फिर बाकी बीज का मैं जोतूंगा। और यहाँ पे अभी पिताजी हल जोत रहे हैं, जो कि इस तरीके से कुछ इछौ कनाव निकाला जाता है। और इसी खूबसूरत से दिन के साथ भैया मैंने आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है। तो देखें आज दिन भर क्या रहता है। भाई कल का जैसा दिन नहीं बीतना चाहिए, क्योंकि कल बहुत ही बारिश हुई थी, मज़ा ही नहीं आया कल। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे खेतों पे खाद पहुंचा के आ रहे हैं, और नीचे वाले खेत पे, इस वाले खेत पे, इस वाले खेत पे सभी लोग अपना अपने खेतों को जोत रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद इसमें बीज भी बो दिए जाएंगे। तो पिताजी यहाँ पे अभी हल जोत रहे हैं, थोड़ी देर बाद मेरा नंबर है। और अगर आज के मौसम की आपको अपडेट दें, तो आज भी भाई बरसात वाला मौसम हो रहा है। धूप देवता भी आ चुके हैं, फिर भी बादलों के बीच पे छिपे हुए हैं। अगर डेली की तरह बिरथी वाटरफॉल की अगर बात करूँ, तो भैया बिरथी वाटरफॉल पे थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है कल के बारिश के कारण, और आसमान फुल्ली पैक्ड है, थोड़ा बहुत नीला फिर फुल पैक। तो और ये है भैया लुट्टा, जो कि मैंने आपको बताए थे ना, जब बर्फ़ आती है तब इन लुट्टों को गाय भैंसों को खिलाया जाता है। यह इजा काम यहाँ चल रहा झाड़ काटना कि जा रही हो बुढ़ा ले सांप आली। तो धूप भी निकल आई है, और पिताजी ने और मैंने मिलके ना इस वाले खेत की जुताई भी कर लिया है। अब बस थोड़ा सा ये वाला कोना बचा है, तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है बल्दे जोतने की ना। ये बहुत है, बताओ बाबू को करना फोल्ड मोड़ कहा कटो ना। अच्छा, तो पात पात भी ठेसना पड़ता है टाइम टाइम पर, तो ढूंगा देते हैं। चलो लो, हाँ थोड़ा सा वो जमीन में नहीं बुड़ रहा था वो, तो कुछ इस तरीके से मरम्मत भी करते रहना पड़ता है ना हल्का, तो कुछ इस तरीके से भैया पहाड़ी ट्रैक्टर ना। तो अब बताएंगे कैसे ऊपर खाते हैं। ओके, ऊपर उठा हुए। अच्छा, ये हाँ, सिर्फ साथ में डांट भी लगानी पड़ती है बल्दों को, ताकि वो समय समय पे काम करते रहे। तो फिर इस तरीके से बल्दे जोता है। शाबाश धोरिया, ये फुल जोर शोर के साथ हल जोता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हल किस किस से जोता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ट्रैक्टर किसके पास है वो भी कमेंट करना। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है भाई पहाड़ों पे। तो खेतों से हम घर आ गए हैं, और घर आते ही बड़ी भयंकर वाली भूख लग गई थी, तो अभी हम खा रहे हैं खाना नाश्ता। और ज्योति भी उठ के बाहर आ गई है ना, पप्पा बाल आ गया चाबाश। तो ज्योति की भी गुड मॉर्निंग हो गई है, और बाबू वहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे दूध के साथ खा रहा हूँ रोटी। और ऐसे रोटी मोड़ के खाने का ना अलग ही मजा है भाई। ये अभी है दिन का समय, और दिन के बजे भैया अभी 11:30, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गया था अपने ढाबे पे। और डेली की तरह हमने यहाँ पे अपना ढाबा लगा दिया है, और बिरथी वाटरफॉल का यहाँ से भाई बहुत ही शानदार खूबसूरत ज़बरदस्त वाला नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और ठीक सामने महादेव जी का खूबसूरत सा मंदिर, ठीक खूबसूरत खूबसूरत सी पहाड़ियाँ। तो कुछ ऐसा है माहौल अपने हिल स्टेशन बिरथी फॉल का। तो भी दुकान से ना मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ऊपर पे फंस चुकी है, और इसकी मम्मी ना कल से यहीं पर बैठी हुई है, और वो बच्चू वहाँ फंसा हुआ है। ये पता नहीं न जाने कहाँ से गया, अब नीचे को नहीं आ पा रहा, और इसकी मम्मी बड़ी परेशान है यहाँ पे। तो मैं फटाफट से उस बच्ची को एक बार नीचे निकाल देता हूँ, वो वहाँ मस्त चल रहा है, लेकिन ये बेचारी बहुत टेंशन में है। हाँ निकाल रहा हूँ हाँ, ये नो निकाल देता हूँ। हे बच्ची आ गई है। तो जैसे ही बच्ची नीचे आई ना, ये देखो गाय भी उठ गया, बहुत परेशान थी शायद ये गाय इसके चक्कर में। चल बच्ची चल शाबाश हिट। तो ये यहाँ फंसी हुई थी, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया है, अब इसको भेजता हूँ इसकी मम्मी के पास। हे तो फाइनली पहुँच गई है, और गाय भी वहाँ से उठ के आ गई है गाय के बच्ची के पास। ये इनो छिप शाबाश, चल ठीक है हाँ। ये कल से अभी मिल रहा है बेचारा अपनी मम्मी से। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय गाय।
लाड़ करने लग गई गाय। तो यार बच्ची को निकाल के मैं आ गया हूँ, और भाई किसी की हेल्प करके ना बड़ा अच्छा सा लगता है। और अब बारी है भाई तिमूर टीपने की। तो भैया ये देखो, ये मिंट कहते हैं इसको, पहाड़ी दवा, जो कि भाई जाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो मैं यही तिमूर अभी टीप रहा हूँ, और ये ना अभी भैया 500 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। तो हम ये चटनी में यूज़ करते हैं ना ये तिमूर को। तो मैं अभी तिमूर तोड़ा भाई, तो ये देखो भाई, तो इस तरीके से होता है तिमूर, बड़ा स्वादिष्ट होता है, मिंट फ्लेवर इससे बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो फटाफट से इसको तोड़ लेता हूँ भाई। तो फाइनली मैंने तिमूर तोड़ लिए है और यहाँ पर रखा है देखो। तो कुछ इतना तोड़ा मैंने तिमूर, और अभी हम बना रहे भैया मोमोज। ये देखिए राजू भाई के लजीज मोमोज, देख रहे भाई, काफ़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत सी लोकेशन में आइए और मोमोज का स्वाद लीजिए। तो दिन के बजे अभी एक, और मैं अभी खाने के लिए घर आया हूँ, और खाने में आज भैया पनीर और भात, वाह लजीज लजीज। हर हर पशा गीता और ज्योति बाबू के साथ मस्त बैठी है, और ये भी पनीर का इंतजार कर रही है। ज्योति पनीर का इंतजार कर रहा है पापा। तो ज्योति पापा के साथ मस्त बैठी है और गीता पसक रही है खाना। तो फटाफट से खा लेते हैं भाई। अब अभी है शाम का समय और शॉप से मैं आ गया हूँ, और मौसम काफी बढ़िया हुआ था। और घर आते ही भैया गीता ने, बाबू ने और मम्मी ने मिलकर मस्त करके लजीज लजीज खाना बना रखा है, और साथ ही में मेरे ब्लॉग चल रहे हैं टीवी पे, और ज्योति वहाँ पे बाबू के साथ बैठी है, और गीता सभी के लिए खाना परोसने का काम कर रही है, और मम्मी भी बैठ गई है ये। और ब्लॉग में भैया मेरे हिमालय वाले ब्लॉग चल रहे हैं, देख रहे हो मस्त है। अभी बर्फबारी चल रही है हिमालय में, तो अच्छा स्टील का ठीक से मम्मी मांग रही है स्टील का ब्याल। तो यार दोस्तों, इसी खूबसूरत से ब्लॉग के साथ आज की इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। बाय बाय दोस्तों, और बात दिखा।